नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ है हमें उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और जो वीकनेस हैं उनको दूर करना चाहिए। अक्सर हम लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अगर हमारी कोई गलती है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए मुझे एक शेर याद आता है मिर्ज़ा गालिब का, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ़ करता रहा। तो अक्सर हम ऐसा करते रहते हैं कि गलती हमारे अंदर होती है और हम आईने को साफ़ करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखें और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें और वीकनेस को दूर करने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर मॉड्यूलेटर सर्किट्स का अध्ययन किया था, जिसमें कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर, कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। तो दोस्तों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले लेक्चर को देखें, जिससे कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आज का टॉपिक है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मॉड्यूलेटर सर्किट दो तरह के होते हैं, लीनियर मॉड्यूलेटर सर्किट और नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर सर्किट। तो नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर सर्किट में स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर जो है वो नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर कहलाता है। तो इट इज़ अ नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर। इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर द नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड और ट्रांजिस्टर इज यूज्ड। जनरली हम इसमें एक नॉन लीनियर डिवाइस, अगर आप ये देखें, दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ दी नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर या स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। इसमें देखें तो यहाँ पर हमने लिखा नॉन लीनियर डिवाइस। इस नॉन लीनियर डिवाइस की जगह आप कोई भी या तो डायोड या ट्रांजिस्टर, कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT अप्लाई किया है और यहाँ पर हमने कैरियर सिग्नल CT अप्लाई किया है। तो डायोड पर जो इनपुट जा रहा है वो V1T वोल्टेज है, डायोड से जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो V2T है। तो इस ट्यून सर्किट, ये जो LC सर्किट है, ये ट्यून सर्किट है और ट्यून सर्किट से ट्रांसफार्मर की हेल्प से आपके सेकेंडरी लोड पर आपको एक आउटपुट वोल्टेज मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाता है। तो ये जो नॉन लीनियर डिवाइस V2T है, ये अप्लाई होता है आपके ट्यून सर्किट पर। तो यहाँ पर जनरली इस सर्किट में हम क्या करते हैं, डायोड की नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। डायोड की नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक क्या होती है, अगर आप देखें तो आपने करेक्टरिस्टिक डायोड की बनाई होगी तो कुछ इस तरह की करेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें ये जो रीज़न है इतना, जहाँ नॉन लीनियरिटी आती है, वो रीज़न को हम जनरली इसमें यूज करते हैं नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक में। इस करेक्टरिस्टिक को हम यूज करते हैं, बाइसिंग इज डन इन सच अ वे दैट डायोड ऑपरेट्स इन नॉन लीनियर रीजन। तो हम बाइसिंग सर्किट की इस तरह से करते हैं कि डायोड का जो ऑपरेशन है वो नॉन लीनियर में ऑपरेट हो। देन दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, सेम है। यहाँ पर हमने MT सिग्नल अप्लाई किया है, यहाँ पर CT अप्लाई किया है, दोनों का जो सम होके समेशन है वो आपका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर या नॉन लीनियर डिवाइस पर इनपुट पे जाता है, जिसे हम V1T बोल रहे थे, और आउटपुट जो हमें नॉन लीनियर डिवाइस से मिलता है उसे हमने V2T कहा है। तो V2T हमें आउटपुट मिलता है, जिसे हमने बैंड पास फिल्टर या ट्यून सर्किट को दे दिया, जिससे हमें आउटपुट में मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाती है। अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि क्या हमें इस सर्किट से मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है। तो अगर हम देखें फ्रॉम फिगर 6.12, जो हमने फिगर लिया जिसमें हमने डायोड लिया, तो डायोड की करेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड हम देखें तो उसका जो इक्वेशन है वो ये होती है, V2T जो डायोड का आउटपुट वोल्टेज है, दैट V2T इज इक्वल टू A1 V1T प्लस A2 V1 स्क्वायर T। दिस इज दी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, जिसमें डायोड का आउटपुट वोल्टेज उसके इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर देखें इनपुट वोल्टेज स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है कि आउटपुट वोल्टेज डायोड के इनपुट वोल्टेज पर नॉन लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो A1 V1T इज इक्वल टू A2 V1 स्क्वायर T। यहाँ पर A1 एंड A2 आर कॉन्स्टेंट, V1 जो है वो डायोड पर इनपुट वोल्टेज है और V2T डायोड से आउटपुट वोल्टेज है। फ्रॉम फिगर 6.13 वी नो दैट, फिगर में हम देखें तो हमने डायोड के इनपुट पर वोल्टेज जो अप्लाई किया है उसमें कैरियर सिग्नल दिया है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया है। तो जो इनपुट वोल्टेज हो गया वो कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों का सम हो गया। तो V1T इज इक्वल टू CT प्लस MT। CT हमने माना AC cos 2πfct, ऑलरेडी हमें कंसीडर करते चला रहे हैं कि ये एक कोसाइन वेव है, और जिसमें AC जो है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड है और FC कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। V1T क्या होगा, V1T इज इक्वल टू AC cos 2πfct, अब हमने CT की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, प्लस MT।
तो ये वी वन टी हो गया। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वी वन टी इन इक्वेशन 6.3, जो हमारे पास वी टू टी की एप्लीकेशन थी वी वन टी की फॉर्म में, वहाँ पर हमने वी वन टी की वैल्यू पुट कर दी। तो देखें ए वन और वी वन की जगह हमने रख दिया ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस एम टी, और यहाँ पर ए टू और वी वन का स्क्वायर था तो ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस एम टी का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन में हमने वी वन की वैल्यू पुट कर दी। अब वी टू टी को और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वन ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए वन एम टी प्लस ए टू ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी प्लस एम स्क्वायर टी ए टी ए टू प्लस टू ए टू ए सी एम टी। तो वी टू टी फाइनली निकालेंगे तो हमारे पास आया ए वन ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया वन प्लस ए टू ए टू अपॉन ए वन एम टी प्लस ए वन एम टी प्लस एम स्क्वायर टी ए टू प्लस ए टू ए सी स्क्वायर कॉस टू पाई एफ सी टी। इसमें हमने मान लिया कि ए वन ए सी इज अ ए सी डैश, ए वन ए सी का जो फैक्टर है उसको हमने ए सी डैश कहा, जिसे हमने मॉड्यूलेटेड कैरियर पावर कहा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की कैरियर पावर जो है वो ए सी डैश है। और टू ए टू अपॉन ए वन जो कॉन्स्टेंट पैरामीटर है इसे हमने कह दिया के ए, जिसे हम कहते थे एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो अब इस इक्वेशन 6.6 में हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं ए सी डैश और के ए से, तो हमारे पास इक्वेशन आते वी टू टी इज इक्वल टू ए सी डैश वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए वन एम टी प्लस एम स्क्वायर टी ए टू प्लस ए टू ए सी स्क्वायर प्लस कॉस टू पाई एफ सी टी। ये हमारे पास डायोड से आउटपुट आ गया। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमने ए एम मॉड्यूलेटर की जो इक्वेशंस आपको मैथमेटिकल ड्राइव कराया था, तो वहाँ पर जो ए एम की वेव थी वो ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी थी। तो ये देखें इस सर्कल के नीचे, तो ये आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव है। बाकी का जो टर्म है ये जब हम इस सिग्नल को वी टू के बाद बैंड पास फिल्टर से जब हम पास करेंगे तो ये सारा सिग्नल को ये रोक देगा, बैंड पास फिल्टर केवल इस ए एम वेव को पास करेगा। तो फाइनली इससे हमें जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो एस ए एम टी ए सी डैश वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी प्राप्त हो जाती है, जो कि बैंड पास फिल्टर से मिलती है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन 6.8 दैट द ए एम मॉड्यूलेटेड वेव कैन बी जनरेटेड बाय अ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। इससे हमें ये प्रूव हो रहा है कि हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की हेल्प से ए एम वेव जनरेट कर सकते हैं, ये हमने मैथमेटिकली देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।